अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं। और आज हमारी किचन में बनने जा रहे हैं जिंगर बर्गर्स। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ऐसे जिंगर बर्गर्स आपसे कभी भी नहीं बने होंगे। बहुत ही क्रंची बने थे, क्रिस्पी बने थे, मज़ेदार से बने थे और इसका सॉस तो लाजवाब बना था। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनने जा रहे हैं जिंगर बर्गर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम चिकन पे मसाला लगा लेते हैं। अच्छा, चिकन जो है हमने इस तरह से जो हम स्टेक के पीसेस करवाते हैं ना, चिकन के ऐसे फिलेज बनवा लेंगे पतले पतले से। अगर पतले नहीं है, मोटे हैं, तो आप क्या करें, किसी भी स्पून की मदद से, हैमर की मदद से इसको पतला कर लें, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सिरका। सिरके से क्या होगा, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है, लाल मिर्च जो होती है, तलहार मिर्च। अच्छा, तलहार मिर्च क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कलर होता है, तेज़ी नहीं होती है, तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। आपकी अगर स्पाइसी वाली लाल मिर्च है तो आप हाफ डालें, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं हो रहे हैं, सिंपल यही चीज़ें जाएंगी, इस वजह से मैंने तलहार मिर्च ज़्यादा डाली है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड सॉस। थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं गार्लिक पाउडर डाल दूँगी, लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप चॉप्ड लहसुन डाल दें या अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। फिर हम इसमें डाल देंगे केचप, चिली गार्लिक केचप, तकरीबन 3 टेबल स्पून्स, ठीक है। और अच्छे से नमक डाल के इसको मैरिनेट कर लें। तो जी, मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 1 दिन के लिए रख लिया था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था, इसलिए बहुत जूसी और मज़ेदार सी चिकन बनी थी। अगर आपको उसी दिन बनाना है तो आप कुछ घंटे पहले मैरिनेशन करके रख लें। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ और देखते हैं कि कोटिंग कैसे हो रही है। ठीक है जी, अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। और बैटर बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 3 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, लाल मिर्च जो तलहार मिर्च होती है कलर के लिए वो 1 टीस्पून डाली है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली है और हस्बे जायका नमक डाला है, ठीक है। जब आप मैदा 3 टेबल स्पून डालेंगे तो कॉर्नफ्लावर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। इस तरीके से आपने क्वांटिटी को एडजस्ट करना है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। अब मैं इसे ठंडे दूध से अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी, बैटर बनाऊँगी, पतला भी ना हो, मोटा भी ना हो, नॉर्मल हो, ताकि चिकन हमारी सही से डिप हो जाए, ठीक है। ठंडा दूध डाल दी हूँ, फिर वापस आते हैं। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये बना लिया है बैटर, ठीक है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। मैं आप लोग को इसकी कंसिस्टेंसी चेक करके बताती हूँ, ये देखें। ठीक है जी, तो मैंने इसमें डाल दिया है ठंडा दूध और दूध डालने के बाद मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें क्या रखी है, ठीक है, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में रखी है ताकि जो ना ज़्यादा नहीं चिकन जो है वो मोटा मोटा डिप ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रख रही हूँ ऊपर फ्रिज में ठंडा करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, जब तक कि मैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर को जो है वो प्लेट में डाल रही हूँ, तब तक 5 मिनट के लिए ये चीज़ें मैं समेट रही हूँ, तब तक 5 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर रख रही हूँ फ्रिज में, फिर हम वापस आते हैं इसकी कोटिंग करते हैं। जी, तो ये है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है, इस तरह से बॉक्स मिलता है, आप लोग देख लें, सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। पहले हम इसे ठंडे वाले बैटर में डिप करेंगे जिसमें हमने दूध डाला था, उसके बाद हम इसे ड्राई बैटर में डिप करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें कोट कर लेंगे सेल्फ रेजिंग फ्लावर में। अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैदा लें और मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें, बन गया आपका सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है। चलिए जी, अब हमारी ये है चिकन जिसको हमने 1 दिन के लिए मैरिनेट किया था, ये है ठंडा वाला बैटर और ये है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। सेल्फ रेजिंग फ्लावर लें, नहीं है तो मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें, मिक्स कर दें, तो वो सेल्फ रेजिंग फ्लावर बन जाएगा। सबसे पहले हमने चिकन को डिप करना है ठंडे दूध वाले बैटर में। अच्छा, ठंडा इसलिए होता है कि वो फ़ौरन से ना वो जिंगर वाला लुक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठंडे वाले बैटर में हमने डाल देना है, अच्छी तरीके से कोट करें और फिर हम ड्राई बैटर में डालेंगे। अच्छा, ड्राई बैटर में डाल के ना आपको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे चिकन को करना है, तो इससे क्या होगा, वो बिल्कुल क्रिस्पी और जिंगर वाला टेस्ट आएगा, ठीक है जी। चलें ये करते हैं, फ्राई करते हैं और वापस आते हैं, सॉस देखते हैं कैसे बनने जा रहा है।
डाल दिया है हाफ कप मेयोनीज का, 4 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक केचप डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड सॉस डाला है। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है, मस्टर्ड पाउडर है, तो आपने क्या करना है, मस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा विनेगर डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना मिक्स करें, वो सॉस बन जाएगा, ठीक है। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से भी कम बारबेक्यू सॉस ताकि फ्लेवर आ जाए, और सबको थोड़ा पानी डाल के ना मिक्स कर लिया है, और इतना मज़ेदार सा सॉस बना था, बिल्कुल जिंगर बर्गर वाला। तो ये वाला सॉस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग असेंबलिंग कर लेते हैं बंस को, थोड़ा सा जो है ऑयल में फ्राई करें ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, इस पे सॉस लगाएं, जिंगर्स डालें, और बाकी मैंने इसमें गोभी और चुकंदर इन दोनों को जो है वो ऐसे काट लिया था, और उसके बाद थोड़ा सा मेयोनीज डाल दिया था, और मिक्स करके मैंने ये जिंगर्स पे डाल दिया, तो इससे और ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा था। तो जी, जिंगर बर्गर्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के जिंगर बर्गर्स क्रंची बने या नहीं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।